नमस्कार एनबीसी हिंदी के बॉलीवुड बफ में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिद्धि जैन। दिल थाम के बैठ जाइए। वेब सीरीज पंचायत के बाद जितेंद्र कुमार उर्फ हमारे जीतू भैया की फिल्म चमन भारत नेटफ्लिक्स पर आ गई है, जिसको देखने के बाद आपको अपने मोहल्ले की याद जरूर आ जाएगी। जरा सोचिए, अगर आपके मोहल्ले में कोई सुंदर सी मोहतरमा आ जाए तो जाहिर सी बात है कि मजनू की तो भीड़ लगनी ही है। ऐसा ही कुछ आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। मूर्ख दीवाने, शाहरुख का पिक्चर देख देख के चॉकलेटी हो गए हैं सब। रानी को तो सिर्फ राजकुमार लेके जाते हैं। फिल्म की कहानी बिल्लू नाम के एक लड़की की है, जिसके पिताजी चाहते हैं कि वो उन्हीं की तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चौकीदारी का काम करे, लेकिन हमारे बिल्लू को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो वो सुनसान सी जगह पर जाकर अपनी पान की टपरी खोल लेता है, जहाँ पूरे दिन बैठ कर सिर्फ मक्खियाँ मारता है, जैसे फिलहाल हम सब अपने घर बैठे कर रहे हैं। एंट्री होती है गांव की बाहर रिंकू की, जो अपने परिवार वालों के साथ बिल्लू की दुकान के सामने ही शिफ्ट हो जाती है। अब गांव में पहली बार मॉडर्न लड़की आई है, तो सारे आवारा लफंडे रिंकू की एक झलक पाने के लिए बिल्लू की दुकान में डेरा जमा लेते हैं, जिसके चलते हमारे पनवारी की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है और साथ ही हमारे बिल्लू को रिंकू से सच्चा वाला प्यार हो जाता है। नाम क्या है? Myself रिंकू ननोरिया सर, बिलासपुर से आई। पंडा हाफ पेंट पहनती है। अब हमारे चमन बिल्लू की लाइफ में रिंकू नाम की बाहर आ पाती है या नहीं, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म में आपको कई मजेदार चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले फिल्म का ओपनिंग क्रेडिट एक अलग ही अंदाज में पेश किया गया है। इसके अलावा फिल्म में फनी सीन्स भी है। वही फिल्म में एक जबरदस्त डायलॉग बोला गया है कि शाहरुख खान के पुतले को देखकर सारे लड़के चॉकलेटी हो गए हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स आपको 2016 का फेमस किस्सा सोनम गुप्ता की बेवफाई का याद दिला देगा। फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ के लॉर्मी गांव में हुई है। वहीं फिल्म के डायरेक्टर अपूर घर ने स्क्रीन पर छोटी से छोटी चीजें काफी अच्छे से पेश की है, जैसे भाषा, लोग, रहन सहन, संस्कृति, जो फिल्म को और भी अट्रैक्टिव बनाती है। फिल्म में कास्ट एक्टिंग बेहतरीन है। वहीं जितेंद्र कुमार ने बिल्लू का किरदार काफी जबरदस्त निभाया है। लगातार एक ही एक्सेंट को बोलना काफी टफ होता है, फिर भी जितेंद्र कुमार ने छत्तीसगढ़िया एक्सेंट में डायलॉग को काफी सुंदर तरीके से डिलीवर किया है। फिल्म में रिंकू का किरदार रितिका बदियानी ने निभाया है। हालांकि पूरी फिल्म रिंकू के किरदार के इर्द गिर्द रची गई है, लेकिन फिर भी आपको फिल्म में उनकी एक भी आवाज सुनाई नहीं देगी। फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर आपका 100% दिल जीत लेंगे। फिल्म में भुवन अरोरा और देवेंद्र नजर आएंगे, जिन्होंने नारद मुनि की तरह बस आग लगाने का काम किया है। दोनों की एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी काबिले तारीफ है। इसके अलावा जीतू भैया के पुराने शिष्य आलम खान भी नजर आएंगे, जिन्होंने शीला नाम के नेता का किरदार निभाया है। एक्टिंग अच्छी है, लेकिन ऐसा लगा कि नेता के रोल के लिए काफी छोटे हैं। इसके अलावा आशु के किरदार में अश्विनी कुमार नजर आएंगे, जो नेता जी के दुश्मन है। अगर आपको अपने गांव की यादें ताजा करनी है और आपके पास समय है, जो कि ऑब्वियसली है ही, तो आप ये 2 घंटे की फिल्म नेटफ्लिक्स पर जाके देख सकते हैं। हालांकि ये फिल्म कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज देती नहीं है, लेकिन फिल्म को देखते समय आपके चेहरे पे थोड़ी स्माइल बनी रहेगी। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।